96.4. जी नमस्कार, रेडियो सानवी 96.4 मेगाहर्ज सुन रहल बानी और रेडियो सानवी 96.4 मेगाहर्ज पर आवेला हरेक दिन कार्यक्रम स्थानीय सरोकार। और आज भी उपस्थित हो चुकल बानी हमेशा के जैसन हम अपने ही के कार्यक्रम प्रस्तुत है राम मंडल और हमने कार्यक्रम स्थानीय सरोकार में स्थानीय जनप्रतिनिधि सब संगे बातचीत करने सन, साथ में वहाँ से सरोकार राखे वाला व्यक्ति से बातचीत करने सन और वहाँ के समस्या गुनासो संबंधी जानकारी भी और ओकर समाधान के उपाय भी खोजे नि सन। और आज भी ऐसा एक जने अतिथि के साथ में उपस्थित हो चुकल बानी सन कार्यक्रम में स्थानीय सरकार में। और आज रहल बानी हमके साथ में अतिथि पर्सा के बीरगंज महानगर पालिका वार्ड नंबर 20 के वड़ा अध्यक्ष पारस यादव। वहाँ से आज हमने बातचीत करेम सन वड़ा नंबर 20 के वड़ा अध्यक्ष पारस यादव हमनी के संपर्क में बानी अभी के खातिर। और सबसे पहले वहाँ के स्वागत कर जाऊँ। वड़ा अध्यक्ष जी अपने के स्वागत बा। धन्यवाद, नमस्कार। जैसे कि पारस यादव जी के कही ना एगो लकी उम्मीदवार के रूप में भी देखल जाला, एक वोट से अपने चुनाव जीतनी और एक वोट से चुनाव जीतनी अपने बहुत भाग्यशाली कहल जाओ ना महानगर के वड़ा अध्यक्ष बानी। तो 20 नंबर वड़ा के एगो शहर बनावे के खातिर खास करके हरपतगंज पहले के गाविस हुए गांव हुए और ओकरा शहर बनावे के खातिर अपने कितना जोर दे रहल बानी, का का काम कर रहल बानी? सबसे पहले का बा कि मंडल जी रू तो जानकारी बढ़ल बा कि हमनी के योजना के रकम कितना बा महानगर पालिका के वार्ड में। विशेष प्रदेश गवर्नमेंट संघ गवर्नमेंट ना, अब जहाँ से जेंगे से होता अब जा करके दौड़ करके कुछ मांग करके ले करके सकते प्रयास कर जाता, काम तो करवले जाता। अपने के विचार में महानगर के बजट थोड़ा कम अपने लोग के मिला था जैसा हमरा अपने के बात से लागत था जी, तनका कम मिला था ऐसा बात नहीं है। जैसा कि हर बार हमने के गांव पालिका में चल रहा बात है, गांव पालिका में एक वार्ड में 1 करोड़ 20 लाख 1 करोड़ 30 लाख 1 करोड़ 25 लाख के आरआरी में खर्च करके जाता। जी जी जी, हमने के जीतल बनी सब से अभी तक ले सबसे हाईएस्ट स्कोर 70 लाख रुपया पर साल मिलल, कामो ना हो सकल, कोरोना आ गई, फिर इस साल के सीलिंग 60 लाख बाई में से 10 लाख रुपया कट गई कोरोना में। अब कोरोना में मशीन किनाई का भेल है समस्या, तो खैर कोरोना के लेकर के चारों तरफ बढ़ले बा, तो सब करा अवगत बा। तो हमने से बहुत लाखे गुना बढ़िया तो कहे के पड़ी की जोन की गांव पालिका के वाड़ा 10 लोग बा, वो लोग के अच्छा कुछ करे के रकम भी आवता, करे के मौका भी मिलता। हमने के बीरगंज महानगर पालिका यानी कि 2 नंबर प्रदेश के प्रथम महानगर पालिका, फर्स्ट एक ही गो महानगर पालिका बीरगंज, जमुना के हमने के वाड़ा अध्यक्ष रह करके हमने के साल के अगर जो 50 लाख 60 लाख 70 लाख रुपया अगर जा जाना में सब कुछ देखा के बा, शिक्षा बा, स्वास्थ्य बा, कृषि बा, बाल बालिका बा, दलित बा, पूर्वाधार बा, सब कुछ हमें देखा के कौना हमने के स्तर में होकम सन आ का स्थिति से हमने के चलत होकम सन एकर आकलन रो कर सकत नहीं, समाज भी कर सकता। जैसे कि महानगर पालिका हमने के सबसे बड़का स्थानीय तो मानल जाला, महानगर के बाद नगर पालिका ओकर बाद गांव पालिका, लेकिन ये हमने के जो बीरगंज महानगर है एगो कही ना अन्नदाता के रूप में टैक्स दाता के रूप में केंद्र सरकार ले ले बा, यहाँ से सारा कुछ तो यही जन से जाला, जितना बा ड्राईपुर से लेके भंसार मुखिया नाका यही जन बा, फिर भी यहाँ के बजट कम भैला के विषय में रौरा लोग बोर्ड में उठावे लगन कि ना बात बोर्ड मीटिंग में। अच्छा ये बताइए रौरा, बड़ा बढ़िया मार्मिक शब्द पूछल बानी, बच्चा अगर जो भूख लागल गोदी में बैठल रहला तो ओकरा गोदी में बैठल अच्छा लागल ना, वो तो रोबे करे छपियाला। तो वास्तव में हमने के लाख छपिया तनी सब कुछ भी करता नहीं, लेकिन अब स्थानीय सरकार का दोष दहल लाओ कि प्रदेश सरकार का दोष दहल लाओ कि संघ सरकार का दोष दहल लाओ, तो अब बुझी ना कि बालू में पानी पटावल हमने के बराबर बा, चिल्लाते चिल्लाते हमने के आधा से ज्यादा समय गुजर गए, 3 बरस बीत गए, मेयर साहब के बार बार हमने के ये बात के लेकर के तकाता करते बनी सन, एगो हम ही ना पूरा वड़ा दस भीड़ जानी सन, सब कोई मिल जानी सन, वह मेयर साहब जेहन काठमांडू का फिर जाता नहीं तो हे ढंग से करा करके ले आओ तनी पकड़ के है जथा कथा था वही जगह पर वही जगह पर बनी सन। अब ना जाने क्यों हमली में कमी बा कि मेयर साहब में कमी बा कि
प्रशासन में कमी बा। जैसे कि मेयर साहब भी कहे नी बार बार आवेला मीडिया में कि केंद्र सरकार हेल्प देले बा का एकरा बीरगंज महानगर के बजट जब आवेला तो बीरगंज महानगर में कोनो बजट में चीज ना आवेला तो औरी महानगर में आवेला जैसे कि हमने बीरगंज में तो एकरा के खातिर रौरा सुझाव में कितना बजट अगर वार्ड में या फिर महानगर में दे दिया है तो रौरा लोग महानगर के 32 गो वार्ड में जौन 18 गो वार्ड जौन गांव बा वो शहर में परिणत हो जाए। सॉरी अब देखिए क्या बा, अभी तो बात जैसे मेयर साहब कही ने कि सन गवर्नमेंट हमी के मने नहीं खा दे तो थोड़ा देर खतरा हम बात के खंडन कर देनी का है कि हमनी के बार बार भी कहने सर कि जब मेयर साहब हमनी के 3 बरस गुजर गए आज तक ले कहीं हमनी के 1 रुपया के कहीं भरबन बात अभी जब कुछ भी हमनी के ना भइल कहीं भरबन भी करे ना गेनी सर तो एक बार हमनी के 32 वार्ड आदेश के एगो टीम हमनी के जवन बा जवन टीम हमनी के कम से कम मंत्रालय तो हमनी के भरबन के रूप में तो चल चल हमनी के 2-4 दिन बैठ करके मंत्रालय के स्थिति तो बुझ रहा हमनी के अपना अपना शक्ति लगा करके सब कुछ वहाँ कहल तो जाओ वहाँ चल के मंत्रालय का दुआरी तो घरल हमनी के आंदोलन तो कहल कि हमनी संगे जायदाती काहे होता तो जबकि स्वच्छ बानी मेयर साहब तो यहाँ पर मेयर साहब तो उतरे के पड़ल लोग खड़ा होकर पड़ल अपने लोग के कहना मिल रहा है सन गवर्नमेंट के दोस्त कैसे दे डाला ना तो देवे ना करी तो का करम लगन जैसे कि एगो होला नु के केहू के कुछ ना कुछ कमी बा ना कहीं कमी बा इस कमी के एगो माने मर्म रूप से बुझे के पड़ल हमनी के कमी बात है जैसे के चली सिस्टम बा सबका सिस्टम से जाही के पड़ी सिस्टम से अलग ना जाए के पड़ी जबकि अन्य और महानगर पालिका के ज्यादा देता है हमारा 2 नंबर प्रदेश के महानगर पालिका के ज्यादा काहे ना दी कम काहे दी कम से कम जितना देता उतना भाग भंडा लगा के उतना तो हमारे देश का उसे कम काहे दी। तो जैसे कि लड़ाई धनी तो करे के पड़ल अब लड़ाई करे के अपने कहता नहीं तो जैसे कि का बा कि एगो स्थानीय तह के अधिकार बा टैक्स उठावे के आ वो अपन सारा काम करे के तो बीरगंज महानगर में भी तो टैक्स उठेला जनता लोग खास करके गांव के जौन कि नया नया गभाइल बा वहाँ के जनता लोग अभी एक कहे के शुरू कर दिले बा महानगर ना ये तो महानरक हो गई काहे कि टैक्स उठावता लोग 100% हम भी समर्थन में बानी हम भी कहत नहीं कि महानगर पालिका ना महानरक पालिका में हमने कभी बार बानी सन हमने वही में गुजर कर रहल बानी महानरक पालिका अब ई तो कोई शंका नहीं है जे भी जनता आवाज उठावल बा हमरा तरफ से जनता के धन्यवाद बा एकदम सही वाले कॉल बानी काहे कि हम भी यही में बानी 24 घंटा हमने के का कर रहल बानी हमने के बुझत नहीं से इतना कहिला के बावजूद भी कुछ नहीं किसे कर पाव जैसे कि महानगर पालिका में रौरा लोग तो अब ना कर सकम लगन तो एकर असर तो अपने लोग के राजनीतिक जीवन पर भी पड़ी साथ में पर्सनल व्यक्तिगत छवि पर भी पड़ी कि चलिए वहाँ के जीतल रहनी जैसे कि जीतल रहनी मुखिया जी लेकिन कुछ ना कहनी जैसन के तैसन बा अब एकरा के 2 साल बा अपने लोग लगे जमा अब 2 साल बाकी बाटे ओहू में कहीं ना 2-4-5 महीना कमे जोड़ ली 2 साल के बाद फिर चुनाव होई अब अपने के का मन साहब अपने के अपन वार्ड के जनता लोग के खातिर का करे के सोचले बानी अभी तक ले का के देखले बानी अब सबसे पहले का बाकी देखी जेमे कि हमनी के 3 बरस ई कुवार बारे गते हमनी के 3 बरस कटल ख 6 महीना हमनी के लेट चुनाव भइल 6 महीना ओने पहले चुनाव होइल तो उहे जोड़ाई सरकार क्लियर कर दिले बैशाख में जो चुनाव होय रे उहे चुनाव हां उहे चुनाव के 5 बरस डेढ़ बरस बाकी रह अब जवना मधे में हमनी के 2 बरस लमसम समय कट गई खाली कानून आ कर्मचारी में रियलिटी कानून आ कर्मचारी में 2 बरस कट गई थोड़ा हमनी के राहत मिलल कुछ हमनी के अतिरिक्त असर के लेवल के आदमी आई लोग बुझल की काम काज कर रही जैसे कि पूछ में वो लोग हमने के वाड़ा प्रवेश कर लोग 2.5 बरस बाद हाँ आज चैत से देख ली हमने के कोरोना आ गई चैत से लॉकडाउन हो गई तो आदमी चाह करके भी कुछ ना कर सकल कहीं चाह करके भी ना जा सकल जैसे कि कुछ प्रपोजल हम बना करके यहाँ से संघ सरकार में भेल बनी कैसन कैसन बा जानकारी कराओ जनता भी जाने अब जैसे काबा की हमनी के जहाँ जहाँ बाटो गड़बड़ बा बाटो सही नहीं है वहाँ हमनी के कालो पकड़ ढलाई इस सब चीज के मांग कर ले बनी ओकरा बावजूद में स्कूल के वास्ते हमनी के बहुत नाजुक बा स्कूल को भवन निर्माण करे के मांग कर ले बनी जहाँ हमनी के
कलभट का दिक्कत बा, जहाँ पानी के निकास नहीं है वो कर सकत, वहाँ कलभट का मांग पीले बनी। ये ढंग से हम योजना लगभग लगभग बनौला बनी 9,66,00,000 चांचून के जितना बा केंद्र सरकार के दिले बनी। हाँ केंद्र सरकार से, जैसे कि भौतिक तथा पूर्वाधार मंत्रालय में, स्थानीय विकास मंत्रालय में पकड़ के हमने वहाँ मांग कैले बनी। अच्छा निवेदन जब दर्ता कर देनी तो कैसन अपने रेस्पॉन्स मिलल अपने के कि हाँ वास्तव में अपने निवेदन दे देनी जौन योजना दे दिले बानी ऊपर काम होई कि ना होई? आश्वासन आश्वासन के रूप में हमर ओ बेरास के समय में चित बुझल वहाँ के कहनी लगन कि ठीक से तपाई नआत्नु होली होली पछाड़ी आउनु होइन, अब जुन पनि नया योजना होली पछाड़ी नै सुरु हुन्छ, होली पछाड़ी आउनु हामी गर्दुला। आ होली पछाड़ी में तो लॉकडाउन हो गई, ओकरा बाद में तो जाना पहिलो कदमी सब कोई अपना अपना व्यस्त व्यस्त हो गई लदमी तो कोरोना के गए बरा वहां से तो सुधर लाऊं। जैसे कि कोरोना के भी हमें कही ना कि एगो बहुत 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 बड़का भूमिका कोरोना के बीच में आकर के हमने के ऊपर रह गई बा। अपने के वार्ड में भी तो कोरोना मिला था बहुत लोग, आज वार्ड नंबर 20 में 2 जने में पुष्टि भइल बा कह के आइल ख। अपने के वार्ड में भी तो मिला था, किंग व्यवस्थापन करतनी कहाँ कहाँ रखतनी रखवतनी या फिर किंग बा? सबसे पहले का बा कि देखी सबसे हमने के बा कि अभी होम आइसोलेशन में रखे के अच्छा अभी तो कम हो गई बा, हॉस्पिटल में भी रह सकत आदमी, जैसे कि स्थिति के अनुसार कोनो लक्षण प्राप्त नहीं है जौन के बावजूद में कोरोना पॉजिटिव बा तो होम आइसोलेशन में रखला तभी हुई, कोनो लक्षण बा यानी के दम फूलता खांसी बा चाहे जुकाम बा ज्यादा से ज्यादा बा तो हॉस्पिटल जाएगा। तो जैसे कि अपने के महानगर से मिलल कि ना सहयोग मिलल कि ना, जैसे कि कोरोना के नियंत्रण करेला अपने के वार्ड में कोरोना संबंधी जैसे कि राहत कार्यक्रम भइल बहुत लोग तो बिना खइल सब जोन भी कइला बानी अपना वार्ड के बजट से कइला बानी, महानगर से ना मिलल अपने लोग के ना जी ना, एमे हमरा महानगर से कोनो सहयोग ना मिलल। 50,000 रुपया सबसे फर्स्ट बार में सहयोग के रूप में आयल प्रदेश गवर्नमेंट जोन भइल रहे ओमे से, तो 50,000 रुपया आयल तो ओकरा बाद में ओकर अब बुझी ना कि इतना बड़का महामारी में 50,000 एगो वार्ड में कहाँ सकले को भूमिका निभा सकता, तो सब कोई बुझ सकता नहीं। अब जैसे कि ये तो महानगर पालिका बाद में जोन बा हमारा राहत वितरण कैला के बाद में 25 किलो चावल, 2 किलो दाल, 1 लीटर करुआ तेल आ 500 ग्राम सोयाबीन पोका बना करके आ प्रदेश गवर्नमेंट से 200 पोका हमने के मिलल। महानगर भी तो देले रहे तो महानगर महानगर अभी तक नहीं देले, लेकिन 10 लाख रुपया अपने कहता नहीं कोरोना कोष में वार्ड के बजट गईल बा जी ना नहीं क्या मिला जी, जैसे कि अपने कहने की 10 लाख रुपया बजट वार्ड के काट के महानगर में गईल बा कोरोना के मशीन किने ला हकी ना? हाँ जी जैसे और कार्यक्रम में भी गईल बा, लेकिन महानगर पालिका तो सिर्फ एगो मशीन किनल, महानगर पालिका कल एक एक घर में टेस्ट करे वो तो कुछ नहीं कह के सक रौरा लोग ना पूछे नहीं लग देखी कितना हमनी के एमए बेहुदा बना दहल गईल, हमनी के प्रत्येक घर प्रत्येक मूली के संकलन को करके तथ्यांक तकले हमनी के भेज देनी सा महानगर पालिका में, ओकरा बावजूद में भी फेरू फेलिया गेल। ए बरा वो जनता हमरा से जो पूछ रहा बा हम का जवाब दी हमरा ये समझ में नहीं है। अब पूछबे करी ये घर एक एक परिछन हेतना करोड़ो बोर्ड से हमने के निर्णय हो के रकम जितना लागे वाला बा रकम हमने के वहां से हमने के छटिया भी देनी से बोर्ड निर्णय को करके ओकरा बावजूद में सबकरा आदेश मिलल कि हां अपन अपन घर में अपन अपन वार्ड में कितना घर मूली बा कितना हमने के करे के पड़ी सब कोई जल्दी से जल्दी संकलन करके दे देवो, ओकरा बाद में हमने के सारा संकलन करके दे देनी से अब बताई। तो जब पैसा के तो यहाँ तो पैसा बा जहाँ महामारी के नाम पर तो अब एक घर एक परेशान कहाँ गई खैर परसा जिला में तो रोज 10 गो 12 गो जमा टेस्ट हो रहा बा, नारायणी अस्पताल में भी वे अवस्था बा रोज के रोज 10 गो 12 गो 20 गो 25 गो, यहाँ तक ले 1,000 परीक्षण करे के क्षमता में अभी 96 गो रोज स्वाब टेस्ट होता, अब परीक्षण तो घटले बा कहिना। अब रौरा वडावासी लोग के खातिर के तरह हैंडल करें, अगर बिहान भैया पूछे लोग चुनाव आए चुनाव में पूछे लोग अपने तो 10 लाख रुपया वार्ड के दे देनी परीक्षणों ना करेनी, कोरोना तो बड़ा दिन ले रही क्या कि आज 4,000 से बेसी कोरोना मिलल बा नेपाल में। ये तो अभी सर विजय कुमार सरावगी जी के पिताजी जब एक्सपायर कैले रही तो वो टाइम में हमने के एगो शोक संदेश कार्यक्रम कैनी सन, ओकरा बाद में क्रियाक्रम बीतल तो वहाँ के काकनी की एगो बोर्ड बैठक हमने के जहाँ रखाई
तो वहाँ सबसे प्रमुख बुंदा प्रमुख एजेंडा के रूप में हम यह पेश कहनी कि मेयर साहब सबसे पहले आप ये जवाब दे दीजिए कि जो हम लोग प्रपोजल अपना बना करके दिए हैं उसको आप कार्यान्वयन में किस दिन से लाइएगा, किस गते से लाइएगा उसको आप क्लियर कर दीजिए। पर घर पर चेकअप हम लोग दिए जो है उसको जो है कब कार्यान्वयन में लाइएगा उसको क्लियर कर दीजिए। पारस जी मत आती है दो चार दिन में सारा समस्या हम सॉल्व कर देते हैं, दो चार दिन में एक महीना तो हम काठमांडू में बैठ गए, पिताजी का देहांत हो गया, ये हो गया वो हो गया, बस तुरंत हम कर देते हैं, तुरंत कर देते हैं। अब उतना ही में वो पूरा खत्म हो गए, तुरंत ही कर देते हैं। उसके बाद ओकरा बाद में आज तक कोनो बोर्ड बैठक ना भइल, सुने में आवता जैसे कि आज बिहान परसों दो तीन दिन के भीतर भीतर में बोर्ड बैठक होई हमर एजेंडा तैयार बाटे, हम अपन बहस वहां करें। यानी कि वो भी अब कहे ना कि एगो केंद्र सरकार से या फिर प्रदेश सरकार के एगो स्थानीय तह के वहाँ भी एगो सरकार बानी प्रमुख बानी, फिर भी वहाँ के ऐसा डिसीजन अब करे में अपने मुँह से बोलल बात वहाँ के एगो नारा दिले रहनी कि बीरगंज में एक घर एक परीक्षण हुई वो अभी तक ले ना भइल, सारा लोग भी गाँव घर में बात करला अपना में कि कोरोना इतना निकलता परीक्षण हुई तो ठीके रही लेकिन अब होत नहीं है। अच्छा जैसे कि वार्ड के बात कर जाओ हमनी रौरा वार्ड में स्वास्थ्य शिक्षा भइल या फिर दलित लोग के मुद्दा भइल, अभी कोरोना के काल में के तरह काम करतनी ऑफिस खोल के कि कवना तरीके से काम करतनी? अब जैसे ये तो एकदम सत्य बा, जौना टाइम में हमने के पत्र आ गई ऑफिस बंद कर देवे के काम ना करे के, वो टाइम में भी जेकरा जौन किसिम के इमरजेंसी समस्या अगर जो पड़ल बा तो वो टाइम में भी हम काम कइले बानी। जैसे सचिव साहब को लगे लेटर पैड वगैरह हम दे देनी या छाप अपना लगे रख लेनी और रख करके हम कह देनी कि ठीक बा जा करके वहां से लिखा करके ले आवे के, उनका लगे हम फोन करके जानकारी भी दे दी कि हाँ फलना व्यक्ति फलना काम से जाता लिख के दे देवे के, और अलग अलग रह करके हमने के वो लिख करके दे दे हमारा लगे अला के बाद ना सही करके छाप लगा के हम दे दी, यहाँ तक तो सेवा दिल बानी। आज के समय में भी ए बराबर हमने के दूरी डिस्टेंस बना करके ही रहे के शक भर, तो हमने के आखिर गांव में बानी सन तो हमने में कमी बा, हमने के समाज में भी कमी बा, जिसे हमने के वृद्धा लोग के एकल महिला लोग के पेंशन ना मिलल लख, हर घर तो एक खानी नहीं है संपन्न तो नहीं है कुछ अब, अभी खाता खोला ताटे एक मिनट सर हम वही पर आवत नहीं जी कह जाओ। तो एक बारे में हमने के कृषि विकास बैंक में हमने के वार्ड के खाता रहे जा करके मैंने साहब से बात करके मैं साहब ना सकार तो लन लास्ट में जिम्मेवारी हमारा सकार के पड़ल की हाँ जब दोन पैसा हम उठा करके यहाँ से लेके जाए यहाँ से प्रमाणित हो जाये हम सही को करके देकर लेम यहाँ से वो पैसा अगर रास्ता में लुटाई पिटाई वो पैसा के जिम्मेवारी हम बनी वो जनता का पैसा हम दे हम बोल करके गारंटर के अब पैसा वहां से लेकर के आके प्रत्येक घर घर से पैसा पुगौनी हो ये बरा ऑनलाइन सिस्टम करे के बा ओकरा के बहुत वार्ड में तो मिले नहीं अपने देखे ना देनी बहुत वार्ड में नहीं मिलल हमार खुद घर हुए महानगर पालिका में हमरे वार्ड में बाकी बाटे पूछत रहे लोग हमरे से कि कब मिली पैसा तो कोई अभिन के समय में हमारा लगे डेली के एगो दुगो चेक आवता ठीक बा, हाथ फुट के बाहर गई रहे के कहीं बा कोनो कारण बस एगो दुगो चेक आवता तो ओकरा के चार दिन तक ले चेक जमा करी ना चार दिन के बाद में लेकर के जाकर फिर बाजा के लगा वो लोग हम घर घर पुआ देवे नी ओमें कहीं शंका नहीं है। ओकरा बावजूद में एक बरा हमनी के दुआर दुआर भल की एक जगह हमनी के ऑनलाइन कर ली एक जगह पूरा लोग आई भीड़ भरा का हुई तो सब लोग हम कह देनी कि रुरा लगन अपना अपना घर जाई हम सब लोग के रुरा लगन दुआरी दुआरी पर हम सचिव साहब के भेज करके ऑनलाइन हम सारा काम करवा दें। अभी फॉर्म भरा था घर घर घूम घूम के हमारा बिहान शुक्रवार बा आइतवार तो हमारे संपन्न ई हो जाये ठीक बा, तब एक बाद में हमने के नया खाता हमने के कुमारी बैंक में सार करके लिया वतन से ड्राई फ्रूट तो ओकरा बाद में एक दिन समय लेकर के जाकर के वहां सब कोई हमने के खाता खुलवा दे। जी तो बहुत बढ़िया बात कहनी और जरूरी भी बा हरेक वार्ड के जनता का कि महानगर पालिका बहुत बड़का बाटे और गांव के लोग जाए ना सकला खास में अपांग वृद्ध वृद्धा लोग और कर्मचारी जवन बा अभाव पहले से ही रहे यहाँ तक ले वार्ड कार्यालय में तो और भी कर्मचारी नहीं के अभी अवस्था कैसन बा वार्ड कार्यालय में जौन कर्मचारी बा लोग वो लोग नियमित अभी तो हमने के पूर्ण रूप से कोनो काम अभी ने संचालन भी नहीं है भइल अभी अलग ही जैसे कि अभी कोरोना से डरे बा हमने के तो हमने के बड़ा घर घर पुग के काम करतनी सन कर्मचारी यहाँ हमने के अभी तक ले मने जो चाही जो आज तक भी नहीं है आयल हमने के यहाँ लेखापाल चाही
लेखापाल चाहिए तो वार्ड के खाता अपन छूटे हुई वार्ड के बजटिंग जोन बाद वार्ड के खाता में जाई वार्ड के खाता में गईला के बाद में वार्ड में अधिकार भइल तो वार्ड से अपन कोनो काम कर लिए भी भाई से भैले नहीं के जोन भी पैसा बा अभी मोहे नगर पालिका के खाता में बा हमनी के काम बा कागज में कोट देवे के फलना फलना काम इतना इतना पैसा में करे के भुगतानी दिनू कह के पैसा उठावेला महानगर पालिका मुहता के पड़ला बड़ा अध्यक्ष लोग के मुहता के पड़ला की अब दौड़े के पड़ला ठेकेदार के संग संग वहां जाकर के सिफारिश भी करे के पड़ला पैसा वहां से मिलेला सब कुछ वही से वाला हमनी के लगाबिन ओइसन कोनो अधिकार नहीं के आइल स्थानीय सरकार के रूप में घोषणा हो गई स्थानीय सरकार स्थानीय सरकार को करके चर्चा हो गई लेकिन स्थानीय सरकार के का अधिकार हो अभी आज तक अभी वार्ड में नहीं के आयल कोनो वार्ड में महानगर के विडम्बना ऐसा भा तो जो लेखापाल बाटे लेखापाल खास में अकाउंटेंट ना भेजे के एगो ये भी मकसद भी हो सकता नहीं केंद्रीकृत शासन जो खोल जला केंद्र में राखे के या फिर हम ही चलाएं पैसा वार्ड अध्यक्ष लोग चलावे लागे तो फिर वो लोग लागे लोग मना मनी करे या फिर वो लोग के ज़्यादा लोग चाहे महानगर में ना आई तो महानगर पालिका में ये भी बात रोड़ा लोग के कहे चाहे कर्मचारी देवे चाहे खास करके लेखापाल जोन में अमीन के भी व्यवस्था बाटे महानगर के वड़ा कार्यालय में और अधिकृत के व्यवस्था बाटे ये सब के रोड़ा लोग बात ना उठावे नहीं लोग जी बात उठाइने सन जैसे वो शब्द रुआ कहनिया भल अभी ऊपर अगर पहले हम पंचायती जैसे कि वार्ड अध्यक्ष लोग मन बिहान के दिन में मनोमानी करे लगे ठीक बा अभी भी आज भी हम रुआ के रुआ रेडियो के मार्फत से यानी कि सब जनता से हम अपील करे के चाहता नहीं जनावे के भी चाहता नहीं कि आज भी 5 गो रुपया चलावे के पारस यादव वार्ड अध्यक्ष बनन फिर भी इनका अधिकार नहीं है हमारा अगर जो एगो कप कीने के बा ऑफिस में रखे के चाय पिए खातिर तो वो चीज हमारा कहे के पड़ी सचिव के अधिकृत के तो वो चीज अपना अंदर में ले करके वो किन करके बिल भरपाई को करके पास करवा करके पैसा वो अपना कर ली लेकिन हमारा खाली कप मिल जाए लेकिन किने के हमारा अधिकार नहीं के ये कोनो वार्ड का नहीं है तो हमने के ऐसा साफा अभी वंचित बनी जा खाता खाता जो बनो वो अधिकृत के लेखापाल के नाम से रही वड़ा अध्यक्ष के नाम से खाता ना रही वड़ा अध्यक्ष को में कोनो नहीं है और वड़ा अध्यक्ष के कथी बा निर्देशन दे देवे के फलना फलना काम हेंगे हेंगे करे के बा आ ओकरा के करावे के ओकर जिम्मेवारी बा कहि ना कि महानगर पालिका में अपने के हिसाब से या फिर कहल जाए तो दुखे दुख बा वड़ा अध्यक्ष लोग के एकदम 100% दुख दुख बा एमे तनिक भी अगर गलत बात जरूरा बिहान सच को करके फिर हमरा के कार्यक्रम रुवा ले आई हम फिर आवे के तैयार बने जी जितना हम कहत नहीं उतना रूरा पता लगाई और रूरा पत्रकार बनी जी जी ई रूरा अधिकार बनता है करके पता लगाव के संशोधन करके पारसी का गलती बोलता ना पारसी का सही बोलता रहे एकरा के सर्च करे के और काम हो जी 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 ठीक बा जी जी हां एमे हमरा तरफ से कहीं गलती शब्द हमने की प्रयोग करो जहां तक हमनी के कार्य क्षेत्र बा जहां तक अधिकार बा हम ओतने कह रहल बानी ठीक बा अभी आज तक जबकि एगो हमरा बोल कीने के अधिकार ना मिलल तब हम कथी कही उहो बोल कीनी तो कार्यालय के सचिव कीनी उ कीन के ले आई 5 रुपया में ले आई 50 रुपया में ले आई 2000 में ले आई कि 200 में ले आई का बिल बनौलक उ का पेश कैलक उ का ले आई उ सब चीज जिम्मेवारी वो लोग हमने के जानता नहीं कि 160 रुपया में बोल मिलता लेकिन 280 रुपया का बिल बनता जी जी लेकिन महानगर पालिका वहां से अपन पास करके दे देता पैसा अपने लोग के हाथ में कुछ नहीं खिलाएगा पूछो ना जैसे कि बजट तो लागे लालू तो 60 लाख 50 लाख जी ना तो उपभोक्ता समिति तो बनाओ नहीं लगा अपने 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 कार्यकर्ता को उपभोक्ता समिति का अध्यक्ष बना देवे नहीं लगन या फिर गुपचुप करके ठेका लगा देवे नहीं लगन अपने ठेकेदार के दे देवे वो काम रुवा करी ये वो काम करी 2 बरस के कार्यकाल में जोन बीतल बताना में हमर कितना उपभोक्ता में काम भइल बाटे उपभोक्ता समिति के हम हमर लगा कागज अभी आज भी बा आ हम दे दे हम उपभोक्ता समिति के अध्यक्ष के लगा रुवा पुग जाए हम पुग करके पूछ ले जी अभी तक जाकर वो आराम से पूछ सकता नहीं जोन भी टेंडर भइल बा कोटेशन भइल बा उपभोक्ता भइल बा हां ओमे कहीं कहीं बेईमानी नहीं है अपने बेईमानी ना करनी जी कहीं बेईमानी नहीं है जैसे कि समिति भी बेईमानी नहीं है कहले ये बड़ा मान के चली एस्टीमेट जोन इंजीनियर ओवरसियर जोन योजना शाखा से जोन बना करके अगला दे दलक यानी कि
60 फीट लंबा आ 30 फीट चौड़ा अगर जो एस्टिमेट बना के दे दलक मटेरियल के मिसिंग इतना इतना करे के दे दलक आ उतना उतना मिसिंग से अगला अगर जो हमरा के काम कंप्लीट कर के दे दलक घाटा चाहे नाफा अगला के भइल तो करे के हम बेईमान नु का जैसे कि एगो समस्या का देखल गेल बा गांव घर में एगो केहू से बड़ा दस लोग ना पूछला लोग जैसे हर एक साल बजेटिंग करेला योजना सब मांगल जाला कि रौरा आई योजना दी अपन अपन जनता के बैठा के पूछे के लेकिन अपने लोग के गुनासो जनता के बा कि मुखिया जी तो पूछबे ना करें हमने के था है नहीं के का का आइल बा कहाँ कहाँ बनी हमने के योजना देवल जला ये सब में रौरा ध्यान देवे नहीं कि ना गांव के लोग से पूछे नहीं कि ना रौरा का चाहिए योजना अब हम एगो अर्थात रुवा का बताओ तनी जैसे का बा हमने के योजना तर्जुमा जोन टाइम में कइल लाला ठीक बा जी 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 तो पांच दिन पहले हमने के सूचना कह देवे नि सन तो हमारा वार्ड में तीन गो टोला बा एगो हरपतगंज मौजे बा एगो हरपतगंज टोला बा एगो अपौनी टोला बा तो अपौनी टोला के योजना तर्जुमा वहाँ के सरकारी जन सामुदायिक स्कूल बा जहाँ होला आ हरपतगंज टोला जौन बा जौन पोखरी के बगल में जौन धर्मशाला में जहाँ होला आ स्थानीय चौका जला आ यहाँ हरपतगंज मौजे के योजना तर्जुमा जौन होला जौन हमने के वडा कार्यालय में होला सवेरे बिहानो 7 बजे देखी 10 बजे समूह में टाइम तोकवा देवे अच्छा जब सूचना हम आउट कर देनी सूचना कर देनी जिसे मान के चली रूरा गांव घर में बैठल व्यक्ति वाली रूआ जानकारी बा हम राम के बोलौनी बलराम के ना बोलौनी श्याम के बोलौनी रहीम के ना बोलौनी तो बिहान से विवाद होइलो तो हमारा बोलावे के आधार मेन चीज बा सूचना सूचना जी सूचना एगो खाली ऑफिस के अगाड़ी मात्र हम ना तसवाई ने मंडल सारी भी सुन ले गांव में 10 जगह 10 गो चौक बा 10 जगह के कोई पान के दुकान भइल चाहे किराना दुकान भइल मठ मंदिर भइल स्कूल भइल चौक पर के पोल भइल उन हम प्रत्यक्ष रूप से सटवाई ने माने योजना तर्जुमा में जनता के सहभागिता रौरा एकदम एकदम सटवाई ने अब ओमे जे भी जनता पुगतानी वहां का जोन भी योजना देतानी ओकरा के हम अपना समावेश करी ने नहीं घर घर घूम के काका आ भैया आ चाचा वाला बात बिल्कुल हमारा लगन नहीं है आना हम आज तक रखल बानी आना शायद जितना दिन के कार्यकाल बहुत दिन में हम रखें जे काका से पूछ के रखें भैया से पूछ के रखें भैया कहीं जोन करें ना बिल्कुल ना उचित जी और वड़ा दत्त जी अपने के बात सुन के तो कही ना महानगर पालिका के ये गो बहुत दुखद चीज बा वड़ा दत्त लोग दुख गावता लोग वार्ड में ऐसा ना भइल हमनी के बजट नहीं के मिलत कर्मचारी नहीं के समस्या ही समस्या बाटे अब हमनी कार्यक्रम के अंत अंत में बानी सन हमनी कब समय परी तो अपने के फिर से बुलाएम फिर से अपनी महानगर पालिका अपने के टोल के बारे में चर्चा करम सन लास्ट में स्थानीय जनता से अपने का कहे चाहे महानगर पालिका से का कहे चाहे महानगर पालिका से सबसे पहले हमर यह एगो आग्रह बा खास करके हमनी के नगर पिता हमनी के सरावगी जी से हमर खास अनुरोध बा कि जौन भी कर्मचारी के त्रुटि हमनी के जौन बाटे जौन कर्मचारी के त्रुटि वहां के जा करके जहां से होके समाधान करी अगर जो नहीं खे समाधान हो हमनी के सल्ला के से समाधान अगर जो होता तो वहां के आह्वान करी हमनी के संगे चले के भी तैयार बानी दूसर का हमनी के वार्ड वासी यानी के वार्ड के गार्जियन अभिभावक लोग से भाई लोग से हमारे वो विनती बा कि 3 बरस बीत गई 2 बरस बाकी बा 1.5 बरस बाकी बा मान ली हमने के 4.5 बरस के कार्यकाल रहल दुनिया का 5 बरस के होला लेकिन हमने के 4.5 के रहल वो भी हमने के बड़ा बढ़िया बा मूल्यांकन करी 60 लाख रुपया आइल बा ये साल के बजटिंग में 60 लाख रुपया योजना में जोन बा जोन वास्तविक 60 लाख रुपया के काम होता कि ना अगर जो होता तो गलत होता कि सही होता ये वो पारस के केवल अधिकार नहीं है वगैरह के चेक करके संपूर्ण जनता के अधिकार बच्चे करे देख के जाए के सुने के समझे के ठेकेदार काम कर रहा वगैरह से क्वेश्चन करे के सब कुछ तो थोड़ा सा धैर्यता बना करके आत्मबल अपन रख करके आत्मविश्वास रख करके थोड़ा दिन वेट कर ली यही जस्टे दसई के बाद से हम फिर सारा काम शुरू करे जातनी बड़ा सुंदर करम बड़ा बढ़िया से करम ये अपने कहे चाहे बड़ा जाता से बहुत बहुत धन्यवाद बाटे बड़ा आदर्श जी पारस जी अपने बात जौन कहनी महानगर के और अपने के जौन काम कराई 3 वर्ष के अनुभव जौन
अनुभव देनी है अपने, वो बहुत ही अच्छा लागल ख। और कार्यक्रम में इतना व्यस्त समय के बावजूद भी अपने समय देनी एक खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। हम कार्यक्रम प्रस्तुत राम मंडल के ओर से पूरा रेडियो शान भी यूनिट के तरफ से अपने के बहुत बहुत धन्यवाद बा। सबसे पहले रूरू का धन्यवाद देम, कम से कम हमारा अपना वार्ड वासी लोग से अपना गार्जियन लोग के लगे ये आवाज पहुँचावे खातिर हमारे के रूरा मौका देनी है। हम विश्वास रखतनी कि आवे वाला सप्ताह में आवे वाला महीना में रूरा हमारे के फिर मौका देम, जैसे लगता हमारा लगता कि रूरा मौका देम, ऐसे कि रूरा सर्च करेम, जाए घूमे फिरम, जहाँ त्रुटि मिली जमना के फिर रूआ हमारा लगे रिटर्न करी, हमारा तरह विश्वास बा, हमारे तरफ से धन्यवाद बा, नमस्कार बा। जी वहाँ वहाँ रनी है बीरगंज महानगर पालिका वार्ड नंबर 20 के वड़ा अध्यक्ष पारस यादव जी, वहाँ से आज हम बातचीत करनी है सन, खास करके महानगर पालिका के वड़ा भैला पर भी ग्रामीण क्षेत्र के अवस्था एकदम दयनीय बाटे, बजट के बारे में बात करनी है सन, वहाँ के कार्य क्षमता काम कितना कैनी काका कैनी कैसन तरीका से चल रहा बा महानगर पालिका, ओकरा बारे में भी हमने स्थानीय वड़ा अध्यक्ष से बातचीत कैनी है सन। और ये बातचीत के साथ आज के खातिर निर्धारित समय खत्म हो चुकल बा, बिहान फिर से हमने कार्यक्रम स्थानीय सरकार लेके अबे करम सन, दोसर विषय और दोसर स्थानीय जनप्रतिनिधि के साथ अपने से भेंट करके वादा करत, अपने कार्यक्रम सुन के साथ देनी, अपने के धन्यवाद। कार्यक्रम में प्राविधिक सहयोग करे वाला प्राविधिक मित्र सानू के धन्यवाद देते, हम कार्यक्रम प्रस्तुत राम मंडल के विदा दी, नमस्कार।